नमस्कार, मैं हूँ सोनिया और आप देख रहे हैं कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। तो आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और जानते हैं विचार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज बनाम आदरणीय राधा स्वामी पंथ के महाराज के विचार। यहाँ एक सवाल का जवाब मैं आपसे और जानना चाहूंगी, जिज्ञासा बहुत से हमारे दर्शकों के मन में भी रहती है कि क्या आप मानते हैं कि गुरु नानक देव जी जो हैं उन्होंने सतनाम जाप किया था वो मोक्षदायक था? यदि हाँ तो आप तो पांच व एक राधा स्वामी नाम जाप देते हैं, फिर आपका तथा आपके अनुयायियों का मोक्ष कैसे संभव हो सकता है? ये बात ठीक आपने सवाल किया है। नानक साहब ने जिस नाम को कहा सतनाम, सतनाम का मतलब कोई सतनाम के जाप से नहीं है कि साहब जी अगर सिर्फ सतनाम ही हो। सतनाम तो उसका गुण बताया है कि जो नाम है वो सत्य है और वही सत्य आज भी है। जिस नाम को नानक साहब ने सत्य मान के जपा था उसी को हम भी सत्य मान के जपते हैं, तो उनमें कोई अंतर नहीं है। ये तो सिर्फ एक लफ्ज़ों के हेद भेद के कारण जो हम तर्क वितर्क करने वाले इस बात को दो मान लेते हैं, दो नहीं है। संतों का मत एक ही था, चाहे वो नानक साहब ने किया हो, चाहे कबीर साहब ने कहा हो, चाहे वो सतनाम है, चाहे वो पाँच नाम के नाम से है, चाहे राधा स्वामी नाम है, वो नाम एक ही है, वो सतनाम ही है। इसीलिए तो गुरु ग्रंथ साहब में जो मूल मंत्र लिखा है उसमें एक ओंकार सतनाम कहा गया है, तो वही सतनाम हम भी उसी को सतनाम मानते हैं। राधा स्वामी भी सतनाम है और वो एक ओंकार भी सतनाम है, इसीलिए वो नाम एक ही है, उनमें कोई अंतर नहीं है, सिर्फ लफ्जों का हेरफेर है। ये थे राधा स्वामी पंथ के महाराज के विचार और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। अपने आत्मा दास ने एक बद बुंडा बतावेंगे पर सदा गुण गाओगी अजंता है। ओ हो, याद रखना इस बात को, क्योंकि दास का उद्देश्य किसी को भावना को ठेस पहुंचाना नहीं। अब जैसे कोई बच्चा किसी तार में स्पार्किंग हो रही है और जमीन पर पड़ा है और वो बच्चा उसकी तरफ जा रहा है, उसको आतिशबाजी समझकर और उसको अच्छी वस्तु प्राप्त कर पकड़ना चाहता, उस बच्चे को पकड़ कर कोई उठा ले उससे जान बचा दे, वो बेशक रोए, रोने दो रोए, उसकी जान बच जाएगी। तो यही उद्देश्य इस दास का है कि इनकी जान खत्म होगी, काल के मुंह में जाएंगे करोड़ों व्यक्ति और इन काल के दूतों को ये परम धनी मान कर, ऐसे अज्ञान के युक्त उनके प्रवचन थे, उनको परम धनी मान कर आँख नीचे बैठे हैं कबूतर की तरह। अरदास चाहता है कि ये बच्चे उससे और अपना कल्याण करवाएं। ये राधा स्वामी नाम क्या देते हैं? पांच नाम, ओंकार निरंकार ज्योत निरंजन सोहम और सतनाम। इससे कहते मोक्ष होगा। और तुलसीदास आथर्स वाले जो इस हजूर स्वामी जी शिवदयाल जी के माता पिता उसी के चेले थे, आथरस जी के, तुलसीदास जी के। और इसने कोई गुरु नहीं बनाया स्वामी जी ने, शिवदयाल जी ने, क्योंकि ये अपने आप ही आप स्वयंभू संत बन गया और पांच नाम ले लिए वो जो मात पिता रट्या करते। अब उस तुलसीदास जी कह रहे हैं अपनी घट रामायण में कि पांचों नाम काल के जानो। ये देखिएगा घट रामायण, ये तुलसी साहेब हाथरस वाले की, भाग एक, ये है वेलविडियर प्रिंटिंग वर्क्स इलाहाबाद से छपी है घट रामायण भाग एक, सतगुरु तुलसी साहेब हाथरस वाले की रची हुई। ये ग्रंथ दो प्रमाणिक लिपियों का मिलान करके बड़ी शुद्धता से दो भागों में पूरा पूरा छपा गया, जीवन चरित्र संक्षिप्त सहित। अब इसके ये प्रश्न नंबर 27 पर है, भेद पिंड और ब्रह्मांड का, अंतर गुफा तहां चल जाऊं जहां साहेब के दर्शन पाऊं, पांचों नाम जीव जब भाखा और छठवां नाम गुप्त कर रख्या, पांचों नाम काल के जानो तब दानी मन संका आनो, निर्गुण निराकार निर्वाणी धर्म राय ये पांच बखानी। जीव नाम निज कह विचारी जान बूझ दानी झक मारी। आगे देखिए, जीव कहे दृगदानी भाई हम चल जाई नाम चितलाई, दानी दान चुकाओ आई
जब ये बाट निभन तुम पाई, केही कर अंश कहाँ तुम जाई, बात आपनी कहो बुझाई। कहे जीव सतलोक निवासा, मैं चल जाऊं पुरुष के पासा, और दानी कहे दूर है भाई, अगम पंथ कैसे निभ जाई, कौन नाम मार्ग को जाई और कौन नाम से उभरे आई। इतना भेद कहो समझावा, बाट जीव घर की पावा, जब घर की पावा। अब जीव वचन, दानी सुन विधि बात हमारी, हम चल जाऊं पुरुष दरबारी, सुरत नृत ले लोक सिधाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं। अब उस पांच ते अलग यू नाम है आदि नाम, और फिर कहा कि सत नाम ले जीव उभारी, अस चल जाऊं पुरुष दरबारी। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी साहब जी तो कह रहे हैं, ये पांचों नाम काल के जानो, पांचों नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो। और यहाँ कहता है कि पांच नाम जीव जब भाख्या, छठवां नाम गुप्त कर रख्या, छठा नाम नहीं बताया। और यहाँ बताते हैं कि सुरत नृत ले लोक सिधाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं। यो आदि नाम है सार नाम, और सत नाम है ये दो अक्षर का, एक ओम और दूसरा तत्, ओम तत् सत मंत्र, ये तीनों मंत्र इसने संकेत दिया है। तुलसीदास आथर्स वाले भी इनसे परिचित नहीं थे। तुलसीदास आथर्स वाले कबीर साहब की वाणी को पढ़ा करते थे, उससे ही यो कुछ निष्कर्ष निकाल लिया, लेकिन उसको तत्व ज्ञान नहीं था। फिर भी उन्होंने इनके इन झूठे नामों को स्वयं ही नकार दिया है कि पांचों नाम काल के जानो। और इसके बाद फिर छठवां नाम है, और छठवें नाम से आगे फिर एक सत नाम भी है। और ये पांचों नाम जो हैं, ये राधा स्वामी वाले देते ये नहीं है, वो नाम और हैं जो ये दास आपको देता है। तो परमात्मा कबीर साहब जी कहा करते, इन गुरुआ गांव बिगाड़े संतो, गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव का ला दिए, ईब जड़े नहीं जाड़े। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक ना न्याय विचार, जहां पर तनिक ना न्याय विचार, वैसा उड़े मुल मुल खासा गल मोतियों के आर, वैसा उड़े मुल मुल खासा गल मोतियों के आर, पति भरता को मिले न खाद्य सूखा नरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़, अज्ञानी को परम विवेकी ज्ञानी को मूड गवार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार, कह कबीर सुनो भई साधो यो सब उल्टा व्यवहार, कह कबीर सुनो भई साधो यो सब उल्टा व्यवहार, सचों को तो ये झूठा बतावे इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार, कह कबीर सुनो भई साधो या सब उल्टा व्यवहार, कह कबीर सुनो भई साधो या सब उल्टा व्यवहार, सच्चों को तो ये झूठा बतावे इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। अपने आत्माओं, इस पूरे ग्रुप का
आपके समक्ष जाड़ा दे दिया या पूरी तलाशी ले ली इनकी। अब शिवजाल जी से ये राधा स्वामी पंथ चला मानते हैं, वो खुद कहता है मेरा तो सतनाम और अनामी का था। सतनाम के बारे में शिवजाल जी के विचार आपने पढ़ लिए, ये पुस्तक है सार्वचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक में, वो है सतनाम। सतनाम को सचखंड को भी सतनाम, सतलोक को भी सतनाम, सार शब्द को भी सतनाम, सत शब्द को भी सतनाम और सतपुरुष को भी सतनाम कहते हैं। और उस श्री शिवदयाल जी से ही आगरा से पंथ निकला गोरेलाल जी से, ये मथुरा में चल रहा है पंथ, जय गुरुदेव बोलते हैं जिसके, वे पांच नाम काल के देते हैं। और ये पांचों नाम जो हैं ये राधा स्वामी वाले देते, ये नहीं है, वो नाम और हैं जो ये दास आपको देता है। और सतनाम ये दो मंत्र का है, अपने आत्मा इनकी अकल दिखाऊंगा आपने। अब आप जी ने हजूर स्वामी जी महाराज के सार वचन वार्तिक पढ़ ली और उसने के बताया है कि सतनाम को सार नाम भी कहते हैं, सार शब्द भी कहते हैं, सत शब्द भी कहते हैं, उसी को सतपुरुष, उसी को सतलोक भी कहते हैं और सतनाम भी कहते हैं। और देखिएगा, ये है संत मत प्रकाश भाग तीन, और इसके लेखक हैं ये सावन सिंह जी महाराज, महाराज सावन सिंह जी। ये हजूर महाराज सावन जी सिंह जी के सत्संगों का संग्रह सुन लो, राधा स्वामी व्यास। और प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी सेक्रेटरी, राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब। ये प्रिंटेड इन इंडिया बाई गोपसंस पेपर लिमिटेड। पहले ये बताते हैं सावन सिंह जी हैं कौन। ये सावन सिंह जी महाराज जयमल सिंह जी, जिन्होंने व्यास में स्थापना की है राधा स्वामी व्यास डेरे की, और जयमल सिंह जी जो थे ये शिवदयाल जी जो आगरा में जिन्होंने राधा स्वामी पंथ की स्थापना की, उनके सीधे शिष्य थे जयमल सिंह जी। जयमल सिंह जी के सीधे शिष्य थे सावन सिंह जी, और सावन सिंह जी से सच्चा सौदा सिरसा वाले के उस सच्चा सौदा धाम के या उस डेरे के प्रवर्तक, उस पंथ के प्रवर्तक सावन सिंह जी के शिष्य थे श्री खेमा मल सिंह जी उर्फ बिलोचिस्तानी सामस्ताना। अब ये समझ लेना कि इनमें सारे में एक का कुएं का पानी है, जिसा ज्ञान शिवदयाल जी ने था और सावन सिंह जी ने था, उषा ही ज्ञान खेमा मल सिंह जी अर्थात बलोचिस्तानी सामस्ताना यानी फाउंडर ऑफ सच्चा सौदा सिरसा को एक ही ज्ञान समझ लो। इससे एक का अगर एक परखी मार ले बोरी में, उसकी पूरी मटेरियल का पता लग जाए इसमें के माल रखा है। अब दिखाते हैं आपको। अब सावन सिंह जी जो है उसके वचनों का संग्रह आपको दिखाते हैं। हे भगवान, अब देखिएगा, ये आपने पुस्तक देखी अभी संत मत प्रकाश भाग तीन, और इसमें क्या लिखा है कि हजूर महाराज सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह है ये। और यहां देखिएगा पृष्ठ 102 पे, ये है संत मत प्रकाश भाग तीन। सतपुरुष सतनाम कहाई, सतलोक निज पाया जाई, ये वाणी है हजूर स्वामी शिवदयाल जी की। और इसका अनुवाद कर रहे हैं कौन, सावन सिंह जी। सतपुरुष सतनाम कहाई और सतलोक जिन पाया आई। देखियो रे, सचखंड या सतनाम, सचखंड या सतनाम ये चौथा लोक है और सभी के अंदर है, हमारे अंदर है यू। अगर यह सतगुरु से राह लेकर मेहनत करके अंदर पर्दा खोल ले तो सचखंड
पहुंच सकता है। ठीक है, अपने आत्मा यहाँ के क्या ये देखना हमने कि सचखंड या सतनाम ये चौथा लोक है। अब 106 पृष्ठ पढ़िए, सावन सिंह जी के बोल क्या बात कही। 106 पृष्ठ पे यहाँ नीचे देखिएगा, सावन सिंह जी से प्रश्न किया किसी ने, सत्संगी कहता है हजूर जहाँ राम नाम का जस महिमा होता हो तो महाराज जी कहते कौन से राम का, तो वही सत्संगी कहता है क्या राम बहुत सारे हैं। अब महाराज सावन सिंह जी कहते चार राम हैं, आपका इशारा कौन से राम की तरफ है, यहाँ देखिएगा। अब इसको डिफाइन करते हैं चार रामों को कौन। सावन सिंह जी वही सत्संगी हजूर चारों रामों को खोल कर बताइए। हजूर स्वामी जी खोल कर बताने लगे, कबीर परमेश्वर की वाणी है या इन्हें खोलनी भी ना आई। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से नारा। अब यहाँ इसको डिफाइन किया है कि पहला राम महाराज दशरथ के बेटे जो त्रेता युग में हुए अवतार थे, आए और अपनी ड्यूटी अदा करके चले गए, लेकिन अब हमें नहीं मिल सकते, हमारा काम नहीं कर सकते। दूसरा राम मन है जो घट घट में व्यापक है। तीसरा राम ब्रह्म है जो सारी त्रिलोकी को पैदा करता है और पालता है और नाश करता है। और चौथा राम सतनाम है, ये असली राम है। अरे जय हो सावन सिंह जी, इवनो का चौथा राम सतनाम है, ये असली राम है। संतों ने इसलिए इसको लिया है, कबीर साहब कहते हैं कहे कबीर हमारा गोविंद चौथे पद हम मही जन की जिंद। राम तो संतों का भी है लेकिन राम राम में फर्क है। अब इसने बता दिया कौन सा राम है, सतनाम राम है संतों का और यह सतनाम असली राम है। और ईब देखियो अब सावन सिंह जी फिर यहाँ क्या बोल रहे हैं, ये देखियो संत मत प्रकाश भाग चार, हजूर महाराज सावन सिंह जी, राधा स्वामी व्यास, प्रकाशक सेवा सिंह, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, जिला अमृतसर पंजाब, सरताज प्रिंटिंग प्रेस, टांडा रोड, जोशी स्टेट, जालंधर। 261 पृष्ठ पे क्या कहा है, यह संसार सर है सर और जो अक्षर है वह ब्रह्म है। देखा कल इसकी यो संसार तो सर यानी नाशवान है और ब्रह्म है वह अक्षर है वो अविनाशी है और नी अक्षर पार ब्रह्म है। जब से संसार बना है हम इस महल दुनिया में गुजारा करते आ रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे और गुप्त रहस्य हैं। एक स्थान पर आता है कि 52 अक्षर लोग तरह सब कुछ इनके माही, ए अक्षर खिर जाएंगे वो अक्षर इन में नाही। अब गुरु ग्रंथ साहिब में नानक साहिब की वाणी है, ये तो बिल्कुल स्पष्ट कर रहा है कि इन 52 अक्षरों में जो तुम लेख लिख रहे हो उसमें वो वास्तविक मंत्र नहीं है। 52 अक्षर संस्कृत भाषा के हैं, शायद कोई ऐसी भाषा हो जिसके 52 अक्षर हों। इस संसार का सारा मामला 52 अक्षरों में आ जाता है। पेंड एंड का हाल तो 52 अक्षरों में आ गया, आगे 2 अक्षर और हैं जो पार ब्रह्म है और इसके विषय में ग्रंथ साहिब में लिखा है, सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को पावे। अब यहाँ गुरु ग्रंथ साहिब तो मैं तो स्पष्ट लिखा है कि वो पूरा गुरु होगा जो केवल 2 अक्षर का भेद बतावे और एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को पावे। अब इसमें 2 अक्षर में सतनाम है, एक ओ मंत्र है, एक वो दूसरा मंत्र तत् सांकेतिक है। ओ मंत्र का जाप हम ब्रह्म को दे देंगे, ब्रह्म का ही हमें छोड़ देगा, हम इसके काल से छूट जाएंगे। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा है कि
सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरण व्रज, मेरे सतर की सब पूजा मुझे छोड़ दे, तू उसके शरण में जा, फिर अहम तवा सर्व पापे बा मोक्षामी मा सोच। इसका एक छुड़ाव है, एक लखाव है, और दूसरा जो मंत्र है वो भवन गुफा में जाके छोड़ देगा, वहाँ से परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं, उसके मिल नहीं सकते, और सार नाम जो तीसरा है वो आदि नाम वो परमात्मा को मिलाएगा। इनको कख का भी पता नहीं, और ये गुरु ग्रंथ साहिब में ये वाणी सही बता रही है, सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को पावे। फिर कहते हैं गुरु ग्रंथ साहिब में इस पृष्ठ पे, जे तो पढ़िया पंडित बिन दोई अक्षर दोई नावा, परमत नानक एक लंघाए जे कर सत समावा। वो तीसरा आदि नाम उन दो से न्यारा, जैसे तुलसीदास हाथरस वाले की में अभी आपने पढ़ा कि आदि नाम और सतनाम वो दो अलग अलग हैं, ऐसे ही ये सतनाम तो दो अक्षर का है और आदि नाम यो एक अक्षर का अलग से है। आगे देखो, यदि तू गुणी हो ज्ञानी हो तो वे अक्षर बताओ, वे अक्षर पार ब्रह्म है। यो के कहे सावण सिंह जी कह रहे हैं, वे अक्षर दो तो पार ब्रह्म है, एक अक्षर ने दुनिया बनाई और एक ने सतलोक बनाया। अरे वाह, यही कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर अक्षर दो भाख, होएगा खसम तो लेगा राख। कबीर साहब भी कहते हैं उस दो अक्षर के भाख यानी उसका सुमरण कर, और वो न्यो कहे वो तो पार ब्रह्म पाऊंगे। यदि खुद का लैंग्वेज अपना ये है कि वह आगे दो अक्षर हैं जो पार ब्रह्म हैं, ये न्यो कहे मेरे पाछे पाओगे तुमने दो अक्षर तय भूत बने पाछे। अब यहाँ देखो गुरु नानक साहब फिर कहते हैं, एक अक्षर हरि मन वसै नानक होत निहाल, एक अक्षर वो सार नाम की तरफ संकेत है। अब 262 पे 261 पे पढ़ दिया, एक स्थान पर फिर गुरु साहब कहते हैं, वेद कतेब सिमरत सब शास्त्र इन पढ़ मुक्त ना होई, एक अक्षर जो गुरुमुख जाप तिसकी निर्मल होई। एक अक्षर वो सार नाम के ऊपर संकेत है आदि ग्रंथ साहिब में इतने में। अब ये क्या कहते हैं, वह अक्षर आपके अंदर है, ये डिफाइन कर रहा है सावन सिंह जी, इसको खोल नहीं पा रहा ढंग से, फिर अज्ञान आधार पर डिफाइन कर रहा है कि वह अक्षर आपके अंदर है और पार पर मजा के मिलेंगे, मेरे पास मिल जाएगा वो अक्षर। और ये तो खुद कहते हैं, एक अक्षर जो गुरुमुख जाप है, गुरु ग्रंथ साहिब गुरु जी तो कह रहे हैं कि वो जाप करना एक अक्षर, और यो अज्ञानी कह रहा है वो तो आपके अंदर है पार पर मिलेगा, ये नो बोली बूझ बना रहे हमने, तुरंत झूठ बोल रहा, अपने अज्ञान की पुष्टि में गुरु ग्रंथ साहिब को ले रहा है, साथ में उसका डिफाइन गलत कर रहा है। गुरु ग्रंथ साहिब में नानक साहिब जी कह रहे हैं वो तो जाप करना है अक्षर, सिमरन करना है उसका, और यो नो कह वो तो पार पर मिलेंगे मेरे पास है तेरा। देखिएगा वह अक्षर आपके अंदर है, इसके बारे में कहते हैं गुरु ग्रंथ साहिब में। गुरु नानक जी कह रहे हैं कि भाई एक अक्षर जो गुरुमुख जापे, गुरु के गुरुमुख माने गुरु की शरण में गुरु से लेकर जाप करे गुरु मर्यादा में, उसकी मुक्ति होगी। और यो अज्ञानी के कह रहा है वह अक्षर आपके अंदर है और पार पर मजाक मिलेगा भूत बने पाछे मिलेगा। यो यह धर्म हमारा धर्म नहीं है, जात हमारी जाति नहीं है, देश हमारा देश नहीं, हमारा देश सचखंड है, हमारी जाति सतनाम है। अरे भगवान खा लिया खून, अब कहाँ से शुरुआत करी थी, सतनाम सतनाम बिला सचखंड है, सतनाम को जे सचखंड को, फिर सतनाम असली राम है, इवन का जाति हमारा सतनाम है, और सार शब्द भी यो है, सतनाम भी यो है, सचखंड भी यही, और हमारा धर्म सतपुरुष है, धर्म सतपुरुष है। यह पराया देश को छोड़कर आत्मा अपने उस देश को जा रही, आगे देखियो कमाल कर दिया। अब आत्मा इस पुराने महल को जिसमें लाखों जन्म रही छोड़कर सतनाम में जा रही है, या सतनाम हमारी जाति है और इब सतनाम में जा रही है, सतनाम असली राम भी, सतनाम स्थान भी, सतनाम सारस नाम भी, सतनाम सार शब्द भी। और आगे देखो, अंदर शब्द के दर्जे हैं, ओम शब्द, सोहम शब्द और सत शब्द। ये गीता जी तो ले लिया, ये गीता जी के 17वें अध्याय का 23वें श्लोक को कितना सुन लिया किसी पे ने, वो भी ठोक दिया इसमें। नोके अंदर शब्द के दर्जे हैं ओम शब्द, सोहम शब्द और सत शब्द।
आत्मा दर्जे के अनुसार अपने असली मकसद भाव असली देश को जा रही है। अब ना तो ये ओम शब्द देते, सो हम इनके पास देने का अधिकार नहीं और सत शब्द से परिचित नहीं, ये सार नाम है। पुण्यात्माओं, अब इसमें स्पष्ट भी कर रखा है वो सतनाम दो अक्षर का, और तीसरा ये गुप्त है। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, सो हम शब्द जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। अब ये सोहम शब्द किसी भी गीता वेद और पुराणों में आपको नहीं मिलेगा। ये परमात्मा कबीर जी कहते हम लाए, हमने दिया ये मंत्र और ये परब्रह्म का मंत्र है, और सार शब्द हम गुप्त छिपाया। नमा छिपा ओम तारी पीछे सोहम भेद बिचारी, सार शब्द पाया जब लोई आवागमन तब नहीं होई। अब आपको दिखाते हैं गुरु नानक जी क्या जाप करते थे। ये वाणी तले रे गुरु ग्रंथ साहिब से संत मत भाग चार में, और नाम दे रहे काल के मोर तला रहे हैं आईएसआई मारक और अंदर पर रखा नकली माल, तो वह कंपनी फेल होया कर, भी फेल होंगे सारे। ये देखो, सब तो वड्डी बाही बाले वाली जन्म साखी ये है डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी। ये है ई जन्म साखी, आज तक छप चुकिया नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन है, सबसे पुरानी है भाई बाले वाली जन्म साखी। श्री गुरु नानक देव जी दी पंजे साहेब दी साखी ते दसा पादशाह देव जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन प्रकाशक डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी, पुस्तकों वाले गली नंबर 8 बाग रामानंद अमृतसर तक छपी है। समुंदर दी साखी 547 पृष्ठ, समुंदर दी साखी, समुंदर दी साखी। अब यहाँ से शुरू करेंगे। बाला संधु वाच ताते हे गुरु अंगद जी, बाला जी गुरु अंगद देव जी को बता रहे हैं, ताते हे गुरु अंगद जी जद गुरु नानक जी अजीते पासों विद्या होए ता मर्दाने किया सच्चे पातशाह जी असा समंदर ता देखिया पर लंका ना देखी, जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है ता गुरु नानक जी की हा चलो भाई बाला ते मर्दाना तुहानु रंज नहीं करना, अखी मिटो जा अखी मीट के अखियां खोलियां ता समुंदर दे कंडे जाई खड़े होए ते आखन लगे बाला ते मर्दाना मेरे पीछे पीछे चले आओ, मुखों वाहेगुरु वाहेगुरु कहिंदे आओ ते आगे आगे गुरु जी तुर पए, जैसे धरती ऊपर तुरदे सन उसे तरह समंदर ऊपर तुर पए, जा चले जावन ते पीछे बाला ते मर्दाना जावन, ता मर्दाने विचार कीती कि गुरु जी गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन, ये दो अक्षर का नाम है, दो अक्षर का मंत्र है, ओम सोहम जपदे जांदे हन ता मर्दाना भी ओम सोहम लगा जपण ते लगा गोते खावण ता गुरु नानक जी देखन ता मर्दाने गोते खांदा है ता गुरु जी कहा मर्दाना तू गुरु दी करनी वल नहीं देखना, गुरु दे वचना ऊपर चलना चाहिए, तू मर्दाना ओहे आख जे असा आखिया है ता मर्दाना फिर लग्या वाहे गुरु कहन ता फिर जल ऊपर उसे तरह तुरन लगा। पुण्यात्मा
कहते हैं चोर चुराई तुमड़ी और गड्ढे पानी में, और वो गड्ढे हुआ ऊपरा वे न सच्चाई छली ना। अभी नकलिया न के लिखा है इस संत मत भाग चार में, ये देखो संत मत भाग चार सावन सिंह जी महाराज ने ये क्या कह रहा है कि 261 पृष्ठ पे गुरु जी की वाणी है या गुरु ग्रंथ साहिब की 1171 पृष्ठ पे, जे तू पंडिया पंडित पढ़िया पंडित बिना दुई अखर दू नावा परमत नानक एक लंघाए जे सत जे कर सत समावा। आगे क्या बताया है कि गुरु नानक साहिब जी फिर आगे कहते हैं, कबीर जी भी कहते हैं कहे कबीर अखर दो भाक होगा खसम तलेगा राख, यानी इसका अर्थ बहुत गहरा है कि दो अखर जाप कर भाक माने बोल जाप कर उसका और होएगा खसम, खसम अधिकारी मालिक, अगर उसके देने वाला तेरे को सही मिला हुआ होगा वो सतना दोनों अखर के देने वाला गुरु सही मिला है तो परमात्मा तेरी रक्षा करेगा तुझे रखेगा। 329 में कबीर साहब की वाणी है गुरु ग्रंथ साहब में, एक अखर हरि नाम हरि मन वसे नानक होत निहाल। ये आगे फिर एक नाम और है उस एक अक्षर का भी जाप बताया है 747 पे, एक अक्षर जो गुरमुख जापे तिसकी निर्मल सोई। और ये नकली क्या कहते हैं कि वह अक्षर आपके अंदर है पार ब्रह्म जाकर मिलेगा है तेरा, और यहां भी ने सट्टे मार रखे ने, यह संसार शर है और अक्षर वह पर ब्रह्म है नी अक्षर पार ब्रह्म है, जब से संसार बना इस महल दुनिया में रह रही। आगे देखो 52 अक्षर संस्कृत भाषा के, शायद ही कोई ऐसी भाषा हो जिसके 52 अक्षरों, इस संसार का सारा मामला 52 अक्षरों में आ जाता है। और देखो पिंड अंड का हाल तो 52 अक्षरों में तक आ गया, आगे दो अक्षर और हैं जो पार ब्रह्म है। ओ पार ब्रह्म है, गुरु नानक जी कह रहे हैं ये दो अक्षर ये हैं जो बोल कर अभी आपको सुनाया, ये दो अक्षर मिलकर सतनाम बनता है। ये ओम तो ब्रह्म का जाप है और दूसरा मंत्र है ये परब्रह्म का, ओम छुड़ावेगा, ओम को तो हम यहाँ ओम की कमाई इसको दे देंगे काल को ब्रह्म को, तो फिर हमें यहाँ नहीं रखेगा ये, और दूसरा मंत्र ये परब्रह्म का इसके सत्संग ब्रह्मंडों से पार करने का टैक्स है किराया है ये इसको दे देंगे, और तीसरा नाम जो है वो परमात्मा से मिलाएगा वो सार नाम है, तीन नाम से मोक्ष होगा। और आगे दिखाते हैं आपको अपुणात्मा दास ने सभी धर्मों की पुण्यात्माओं को, चाहे वो हिंदू धर्म से संबंधित है, चाहे वो सिख धर्म से संबंधित है, चाहे वो मुसलमान धर्म से संबंधित है, चाहे ईसाई धर्म से संबंधित है, उन्हीं के सदग्रंथों में उन्हीं के समक्ष रूबरू करके ये स्पष्ट कर दिया है कि यथार्थ ज्ञान क्या है। तो उसके आधार से ये पुण्यात्माएं अपने अपने धर्म के सदग्रंथों को अब गहराई से पढ़ने लगे और वो ज्ञानी भी इनका समझ में आ रहा है। तो उन्हीं में से एक भक्त ने मुझ दास को बताया कि ऐसे ऐसे हमने ढूंढा खोजा, तीन नाम का संकेत भी गुरु ग्रंथ साहिब में है। गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ नंबर 1328 पन्ना नंबर 1328 पर लिखा है, राग प्रभाती पहला महला पहला, उसमें क्या लिखा है, जे कारण वेद ब्रह्म उचरे संकर छोड़ी माया, ते कारण सिद्ध भय उदासी देवी मर्म न पाया। कितना स्पष्ट कर रखा है कि जैसे जे कारण वेद ब्रह्मा उचरे, जिसके कारण परमात्मा पाने के लिए ब्रह्मा जी ने वेदों को पढ़ा औरों को सुनाया उच्चारण किया, और शंकर जी ने भी अपनी माता अपनी माँ दुर्गा को छोड़कर हट करके तप किया उसको पाने के लिए, माँ के वचन नहीं माने, सृष्टि सृष्टि रचना माँ पढ़ोगे वहाँ से पता लग गया। और जो सिद्ध बने, सिद्ध कौन बने, ये ब्राह्मण सतियों के ब्राह्मण वेद के बड़े विद्वान थे, उसमें लिखा देवी पुराण में 414 पृष्ठ पे, और वो दुर्गा की पूजा करते थे, दुर्गा की पूजा करने से सिद्धियां आ गई। तो यहाँ गुरु नानक जी कह रहे हैं कि जे कारण सिद्ध भय उदासी देवी मर्म न पाया, उस देवी को भी उस तीन नाम के मंत्र का पता नहीं। आगे है बाबा मन सच्चा मुख सच्चा कहिए और तरिये सच्चा होई, दुश्मन दुख न आवे नेड़े,
हर मति पावे कोई। जिसको सच्चा नाम मिल गया, सही साधना मिल गई, उसका ना तो दुख निकट आवे, ना कोई दुश्मन उसको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। राहु अग्नि बिंब पवन ते पानी तीन नाम के दासा। ओह अग्नि बिंब पवन ते पानी तीन नाम के दासा, कहते हम तीन नाम के अधीन हैं, तीन नाम के दास हैं। और ये जितने भी यहाँ के सभी तत्व हैं, सभी पदार्थ हैं, उन्हीं तीनों परमात्माओं के ही अंतर्गत आते हैं। जैसे एक नाम ब्रह्म का, दूसरा परब्रह्म का और तीसरा पूर्ण ब्रह्म का। अग्नि बिंब पवन ते पाणी तीन नाम के दासा, ते तस्कर जो नाम न ले वही वासई कोट बचा पंचासा। कहते हैं जो इस तीन नाम का जाप जिसके पास नहीं, वो तस्कर हैं, वो ठग हैं, वो कपटी हैं, जो इस मंत्र को जाप नहीं कर पा रहे और ना उनके गुरुओं के पास है। आगे इसी प्रश्न नंबर 1328 पे प्रभाती महला पहला का ये है 4 का 5, यानी उसी का, उसमें लिखा कि प्रगटी ज्योत चूका अभिमानू। नानक साहब जी कहते हैं जब मुझे पूर्ण संत मिल गए गुरु, उसके बाद मेरा अभिमान खत्म हो गया है। और सतगुरु दिया अमृत नाम, सतगुरु जी ने यानी सच्चे गुरु जी ने मुझे अमृत रूपी ये तीन मंत्र का नाम दिया। अब ये चक्कर क्या था कि गुरु नानक साहब जी ने ये अपने शिष्य मर्दाना को ये मंत्र जाप करने से मना क्यों किया, कारण क्या था, इसका बहुत गूढ़ रहस्य है। अब आपने कबीर सागर में पढ़ा है, कबीर वाणी के 1270 पृष्ठ पे कहते धर्म दास तो लाख दोहाई, ये मूल ज्ञान की तबार ना जाई। एक जगह लिखा है सार नाम, ये सार शब्द, ये तीन मंत्र का मिलकर ये कंप्लीट नाम बनता है। ये सार नाम तो गुप्त है, अभी तक नानक साहिब जी ने कहीं किसी को सुनाया भी नहीं है। इसमें स्पष्ट उनको बच्चों को जो दोनों उनके साथ थे मर्दाना और बाला को इसलिए सुनाया कि ये प्रसन्न उत्तर करेंगे, ये इसका जाप करेंगे तो इनको इतना भयभीत कर दूं कि कहीं इसका जिक्र भी ना कर दें जब तक ये बिचली पीढ़ी आवे, कहीं काल के दूत ये मंत्र जाप देना ना शुरू कर दें और हम भिन्नता ना बता सकें। तो कबीर परमेश्वर जी ने अपनी प्यारी आत्मा, अपने सच्चे भक्त, दृढ़ भक्त धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास मैंने तेरे को तीनों नाम दे दिए और ये सार नाम की तरह जिक्र मत करना तू। ऐसे गुरु नानक जी को कबीर परमेश्वर मिले थे, बेई नदी से उनको सचखंड लेकर गए थे और सतलोक में जब वो परमात्मा साक्षात उन्होंने देखा और परमेश्वर ने कहा कि मैं बनारस में जुलाहे का काम कर रहा हूँ और वहाँ तुझे सतनाम दूंगा जब तेरा मोक्ष होगा, तो वहाँ से जब वापस आए नानक साहेब जी तो उसी दिन नौकरी त्याग करके और पहली उदासी बनारस की तरफ कर चल पड़े। तो वहाँ जाकर के नानक साहेब जी को तीनों नाम प्राप्त हुए, तब उन्होंने कहा था वाहे गुरु सतनाम श्री वाहे गुरु सतनाम श्री वाहे गुरु, कि वो सतनाम मिले और ये वाह गुरु यानी हे सच्चे गुरु यानी अपने शुक्रिया कर रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं उस सच्चे गुरु की यानी कबीर परमेश्वर की नानक साहेब जी, और कहें सतनाम से मोक्ष होगा। तो अब क्या बताते हैं कि कबीर परमेश्वर जी ने नानक साहेब जी से कहा था कि अभी ये मंत्र किसी के सामने डिस्क्लोज मत करना, सार्वजनिक नहीं करना, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा, ये नकली दूत इस नाम को सब जगह सार्वजनिक कर देंगे और हम जो बिचली पीढ़ी में शिक्षित समाज होगा, सदग्रंथों को आंखों देख सकेगा, उस समय में हम भिन्नता नहीं बता पाएंगे और काल का दाव लगा रह जाएगा। तो जिसको भी परमेश्वर कबीर जी ने ये अधिकारियों को नाम दिया, जैसे आदरणीय नानक देव जी को, आदरणीय गरीबदास साहेब जी को, आदरणीय दादू साहेब जी को, आदरणीय मुलुकदास साहेब जी को, आदरणीय धर्मदास साहेब जी को, इन सब को नाम तो तीनों दिए लेकिन इनको कसम दिला दी थी
कि ये नाम किसी को डिस्क्लोज नहीं करोगे। धर्मदास तो ये लाख दुहाई, ये सार शब्द की तबार ना जाई, सार शब्द बार जो पढ़ी और बिचली पीढ़ी हंस नीत रही। अब ये बिचली पीढ़ी आ गई, अभी नकली गुरुओं पंथों की ज्ञान की खाल उतर गई, इनको अब दिखा देंगे सबके सामने ये किसे गुरु जी थे। तो आप जी खुद देख लोगे आंखों तो समझ रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो। अगर ये ज्ञान 100 वर्ष पहले शुरू हो जाता कोई नहीं सुनता हमारी, क्योंकि शिक्षित नहीं थे। तो परमात्मा ने अब ये 1947 में पवित्र भारतवर्ष आज़ाद हुआ, उसके बाद शिक्षा की बाढ़ आ गई। 1951 में दास का जन्म हुआ, दास को भेज दिया अपने को, अपने कुत्ते को भेजा आप धनियों को जगाने के लिए, और अब भी जो सुता रह जाएगा उसका धन लुट जाएगा। अब जागरण का समय आ गया। तो इस प्रकार हम परमात्मा पाएंगे। ये दो मंत्र का शब्द क्लियर कर रखा, दो सतनाम ये है जो गुरु नानक साहिब जी ने सुना, जाप करके सुनाया और मर्दाना ने नकल करी तो नानक जी ने झटका दे दिया कि खबरदार जे तूने ये जाप किया। भी एक रोहतक के अंदर ये दास एक अपने भगत की दुकान पर बैठा था, जिल्द बनवानी थी कुछ पुस्तकों की, वो जिल्द का काम करता था। उसी समय एक बुजुर्ग सा आ गया व्यक्ति, वहाँ बैठ गया उसके पास आकर शटूल पर। वो कहने लगा कि ये गुरुद्वारे में काम कर सेवा करता है, गुरु ग्रंथ साहब का बड़ा गूढ़ रहस्यों को जानने वाला है। उसका नाम था खरेती लाल अरोड़ा। मैंने उससे कहा कि भगत जी आप क्या नाम जाप करते हो, क्या नाम दिया आपके गुरु जी ने? कहते वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, मुंडका करड़ा हो गया। मैं कहने लगा ये जो गुरुजियों ने जो गुरु ग्रंथ साहब में और गुरुजी जो जाप करते थे नानक साहब जी, वो तो कोई और मंत्र है, ये नहीं है, इससे मोक्ष नहीं होगा। तो कहता तो आप क्या बताओगे मुझे? मैंने 40 वर्ष तक गुरुद्वारे की सेवा की है और गुरु ग्रंथ साहब का मैं पाठी भी रहा हूँ, और वो नाम तो हमारे गुरुओं ने जपना है, हमने नहीं जपना, हमने तो वाहे गुरु जपना है। मैंने कहा भले आदमी, गुरु जी के पेट में दर्द है और उसने कोई जड़ी खाई, वो राहत होगी? और आपके भी पेट में दर्द हुआ और आप कह रहे हो नहीं ये जड़ी तो गुरु जी खाते थे, हम तो और कुछ खाएंगे, हम तो शक्कर खाएंगे, चीनी, चीनी से थोड़ा ही लाभ होगा, तो आप गोलियाँ खानी पड़ेगी जो गुरु जी ने टेबलेट ली। तो पुण्यात्माओं वही मंत्र जो संत सतगुरु ने जाप किया वही हम करेंगे। इसलिए कबीर परमेश्वर के वचनबद्ध होकर नानक साहेब जी ने उसको इसलिए इतनी दृढ़ता से गुप्त रखा कि कहीं आने वाले समय में, क्योंकि ये नाम तो है ही उनकी वाणी में, वो वाणी निकाल दी गुरु ग्रंथ साहब को संग्रह करते समय गुरु अर्जुन देव जी ने, अर्जुन देव जी हाँ, ये अंगद देव को बता रहे हैं। तो अंगद देव जी फिर अर्जुन देव जी ने आगे जो वो वाणी संग्रह किया, गुरु ग्रंथ साहब बनाया, तो उसमें ये वो वाणी छोड़ दी जिसमें सीधा ये मंत्र लिखा हुआ है। फिर वो छोड़ी हुई वाणियों को बाद में श्रद्धालुओं ने अलग से छपवाया, उसको प्राण संगली बोलते हैं, और वो छोटी सी पुस्तक है, वो दास के पास उपलब्ध है और वो पटियाला हाउस में सुरक्षित है, ओरिजिनल हाथ से लिखी हुई। तो इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब में वो वाणी नहीं ली कि कहीं आने वाले समय में और सिख समाज इस मंत्र का जाप ना कर ले और गुरु जी के वचन का द्रोही ना हो जा, उल्लंघन ना हो जाए, इसलिए वो वास्तविक मंत्र ही छोड़ दिया। लेकिन फिर भी सांकेतिक शब्द कहीं कहीं गुरु ग्रंथ साहिब में अब भी हैं, एक मंत्र कहीं लिखा है, दूसरा कहीं, तीसरा कहीं लिखा है, लेकिन उसको आम व्यक्ति नहीं समझ सकता, इसे दास ने समझा और आपको समझा रहा है। तो इस सारा कुछ ऐसे छुपा के रखने का उद्देश्य यही था कि इस बिचली पीढ़ी में आकर और आप सभी को सार्वजनिक कर दिया जाए, तो बुद्धिमान व्यक्ति आंखों देखकर सदग्रंथों को तुरंत इस दास की शरण में आकर और सतलोक चले जाएंगे, अपना कल्याण करवा लेंगे। बोलो सतगुरुदेव।